कोई नहीं रोक सकता। पिछले एक दशक में हमारे वीर पुलिस के बहादुर जवानों के कारण आतंकवाद, उग्रवादी हमले, नक्सलवाद और नस्लीय हिंसा में अपने सर्वोच्च आंक से 63% की कमी हुई। यह बताता है कि धीरे धीरे तीन हॉटस्पॉट माने जाने वाले क्षेत्र, चाहे वो वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्यों का संपूर्ण हो, चाहे जम्मू कश्मीर, ये तीनों जगह पर स्थिति को सामान्य करने में हमारे जवानों ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। विगत दिनों में एनडीआरएफ के माध्यम से अलग अलग पुलिस फोर्स के जवानों ने न केवल देश, दुनिया में आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी नाम भी कमाया है और सिद्धियां भी प्राप्त की। कितनी भी बड़ी आपदा हो, एनडीआरएफ का ड्रेस पहनकर हमारा जवान जब पहुंचता है, लोगों को एक आश्वस्ति होती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, एनडीआरएफ आ गई है। और इस समय आजादी के अमृत काल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीन नए कानून लेकर आ रही हैं, जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आमूलचूल रूप से बदलेंगे। ये तीनों कानून अंग्रेजों के समय से बनाए गए थे। करीब करीब 150 साल पुराने तीनों कानूनों के अंदर न केवल अब भारतीयता भी दिखाई पड़ेगी, हमारे संविधान की स्पिरिट से हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा की रचना भी होगी। कोर्टों के अंदर जो पेंडेंसी है, इसको समाप्त करने के लिए मोदी जी ने बल दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन एक नए तीनों कानूनों का संसद के सामने पेश होना और आईसीजीएस के माध्यम से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पारदर्शिता और स्पीड दोनों को लाने का जो हमने लक्ष्य रखा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने में हम सफल होंगे। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बरकरार रखते हुए न केवल हमने सख्त कानून बनाए हैं, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना कर विश्व में सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद का मुकाबला करने वाला एक बल हमारा बल बने, इस प्रकार के हमारे प्रयास। पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए आयुष्मान सीएपीएफ, आवास योजना सीएपीएफ, ई आवास वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, केंद्रीय अनुग्रह राशि, विकलांगता अनुग्रह राशि, हवाई कुरियर सेवाएं और पुलिस केंद्रीय कल्याण भंडार, इस सब में भी समयोचित परिवर्तन करने का हमने समय समय पर प्रयास किया है और उसको ज्यादा सटीक और वेलफेयर की दृष्टि से संपूर्ण बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं आज देश की जनता को और देश भर के पुलिस फोर्स को एक ही बात कहना चाहता हूं, ये पुलिस स्मारक जो है एकमात्र प्रतीक नहीं है, ये पहचान है हमारे पुलिस कर्मियों के बलिदान, त्याग और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके समर्पण की। हम सब आज के दिन में सभी 36,250 शहीद पुलिस कर्मियों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और एक कमिटमेंट के साथ कि आने वाले दिनों में सभी जवानों की वेलफेयर की चिंता और सभी जवानों की सुरक्षा की चिंता के लिए सरकार सजग भी रहेगी और समर्पित भी रहेगी। ये शब्द कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में शहीद हुए वीर बलिदानियों को पुष्प चक्र अर्पण करेंगे। यहाँ उपस्थित हम सभी देशवासी माननीय मुख्य अतिथि
लिए गवाह साक्षी है। आपकी उपस्थिति वीर शहीदों का सच्चा गौरवगान है। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हॉट स्पेस में शहीद हुए वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ हम सभी सहृदय भारत के वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं। वे शहीद, वे बलिदानी, वे हिंदुस्तानी हमारी सांसों में, हमारी स्मृतियों में, हमारे हृदय में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। भावनाओं से भरा हुआ यह समारोह समापन की ओर अग्रसर है।